देखिए यही होता है फोर स्ट्रोक इंजन, इसमें कैसे कार्य करता हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हम अपने हाथों से इसे घुमाने जा रहे हैं, देखिए काम कर रहा है कैसे, इसका पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए यही होता है कार्बोरेटर जो एयर और फ्यूल का मिश्रण करता है। ये होता है वाल्व, ये वाल्व जो है ना ऊपर नीचे इसी से एग्जास्ट होता है और फ्यूल आता है। देखिए अभी यहाँ से एग्जास्ट हुआ था, यहाँ से यहीं से फ्यूल जाता है इसमें, एयर एंड फ्यूल का मिश्रण जाता है इसमें। देखिए इसमें कंप्रेस कराता है 2-3 साल। देखिए यहाँ पर फोर स्ट्रोक पूरा हो गया, यहीं से जो धुआं होता है वेस्ट मटेरियल से निकाला जाता है और इसी को, देखिए यहाँ से इसको क्रेंक कहते हैं, ये क्रेंक, उसमें क्रेंक रॉड लगाता है, ये पिस्टन रॉड है, जो हो उसमें पिस्टन रॉड उसे कहते हैं। देखिए हम अपने हाथों से इसको दिखाएंगे अभी, ये अभी वाल्व दिखा रहे हैं आपको, वाल्व कैसे काम करता है। देखिए ऊपर नीचे जो हो रहा है ऊपर नीचे, देखो वाल्व जो लगाते हैं वाल्व हो रहा है। देखिए नीचे कैम लगा है, कैम कैम की मदद से हम वाल्व को घुमाते हैं, ऊपर नीचे कराते हैं, जिससे कि ये एक टाइम टाइमिंग चेन सुने होंगे आप, मोटरसाइकिल में लगाते टाइमिंग चेन उसी काम करता है। ये साइड से दिखा रहे हैं इसको, देखिए ये देखिए इसको हम घुमा रहे हैं आपको दिखाना कैसे ये काम करता है। देखिए वाल्व काम कर रहा है ऊपर नीचे खुल रहा है। देखिए यही जो होता है कैम को घुमाने में सहायता करता है, जो टाइमिंग चेन बता रहे थे आपको अभी, एक टाइमिंग चेन यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब एक टाइमिंग चेक लगा रहा है गियर के माध्यम से इसमें काम कर रहा है। देखिए एक क्रैंक होता है, क्रैंक, देखिए इसमें क्रैंक रॉड लगा है, क्रैंक पिन है, ये पिस्टन रिंग है, ओ सॉरी उसको कहते हैं पिस्टन रॉड कहते हैं, ये पिस्टन पिस्टन पिन है, वो पिस्टन लगा है, ये इसमें सिलेंडर है जो बाहरी है, इसमें जो बाहरी जो रेड दिख रहा है वो सिलेंडर है। ये टॉप दिखा रहे हैं आपको, टॉप TDC से बोलते हैं हम उसको, ऊपर से दिखा रहे हैं इसमें। तो गाइस हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तो चलते हैं, जय हिंद।